हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर एमटीवी के रियलिटी शो रूडीज में जगह बनाने में शुरभि राणा सफल हुई हैं। एमटीवी पर चल रहे रूडीज शो में काम कर रहे शुरभि राणा का कहना है कि बड़े पर्दे पर जाने की तमन्ना थी और इसीलिए रूडीज के ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई थी। एमटीवी के रूडीज शो में टॉप 5 में शुरभि ने जगह पा ली है और अब शो टीवी पर चल रहा है। शुरभि राणा का कहना है कि रियलिटी शो रूडीज के बाद अब बिग बॉस के लिए ऑडिशन में हिस्सा लेना है और उम्मीद है कि बिग बॉस के लिए भी चयन होगा। शुरभि का कहना है कि हिमाचल के युवा आज के समय में ड्रग्स व नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। रूडीज शो में नेहा धूपिया की गैंग की मेंबर बनी शुरभि राणा का कहना है कि बड़े बड़े स्टार के साथ रियलिटी शो में काम करने का बहुत मजा आया है और उम्मीद है कि हिमाचल के लोगों का स्पोर्ट भी शो के दौरान मिलेगा। एक्चुअली जब मैं चारों गैंग लीडर्स के सामने गई तो उनको मेरी ह्यूमरस नेचर, ह्यूमरस कहते हैं, मेरी बहुत ही ना खुशियां बांटने वाली नेचर है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं खुश रहती हूँ और दूसरे इंसान को भी खुश रखती हूँ बातों से, अपने अपने क्या बोलते हैं, मेरे जो फनी जोक्स होते हैं उनसे। तो जब मैं सिलेक्ट हुई तो उनको मेरी बोलने की जो मेरी बोलने की पावर है, बोलना मैं काफी ज्यादा मोटिवेटिंग हूँ और अपने बात करने के तरीके से काफी ज्यादा इम्प्रेस कर लेती हूँ सबको। तो मुझे लगता है उनको मेरी यही बात काफी पसंद आई कि मैं दिल की बहुत साफ हूँ, जो मेरे दिल में और मेरे दिमाग में होता है वो मेरी जुबान पे होता है, ये मेरी खूबी भी है। हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए ये बहुत कम लोगों में जाना पहचाना नाम है और उसी की तरफ आपका रुझान है। उसकी तरफ मेरा रुझान इसलिए गया क्योंकि ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको कॉम्बिनेशन है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मेंटली जितनी स्ट्रांग है फिजिकली भी उतनी स्ट्रांग है। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सारी चीजें की हुई हैं। तो मुझे ये टास्क वाली चीज में भी इंटरेस्ट था और ये जो मेंटल पॉलिटिक्स खेलते हैं, मेंटली कौन इंसान कितना स्ट्रांग है, ये वाली चीज में भी इंटरेस्ट था। तो आई थिंक रियलिटी शोज में रोडीज बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी उभर के आती। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों में जो इसके प्रति पहचान नहीं है वो कहीं ना कहीं आपके उसके लिए खली होगी कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि अगर हिमाचल के लोगों में रोडीज के बारे में, मुझे नहीं लगता ऐसा है क्योंकि रोडीज काफी पॉपुलर शो है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि मैं प्यार जगा दूंगी क्योंकि मैं तो हिमाचल की बेटी हूँ, मुझे तो वो प्यार करेंगे ही करेंगे। और जिस चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो हिमाचल की बेटी होने के नाते नाते उनको उस चीज को भी लाइक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शो के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हिमाचल से व्यूअर्स ज्यादा मिलेंगे और मुझे भी प्यार मिलेगा। मैं एक गांव से पली बड़ी हूँ, मैं रंगड़ एक बैकवर्ड एरिया वहां से पली बड़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ लेकिन वहां पे शिक्षा हमें उसी लेवल की दी जाती थी जिसे कॉन्वेंट में पढ़ाई होती है। तो मेरी पढ़ाई भले गांव में हुई है लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे इतना स्ट्रांग मेंटली, इतना सफिशियंट और हर चीज में इतना अच्छा बनाया कि आज मैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन में भी अव्वल रही और जो जिंदगी में मुझे करना था, मीडिया में जाना था, उस चीज में भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और काफी अच्छा कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे दिल में, मेरे बड़े भाई, दो बड़े भाई हैं मेरे और मम्मी पापा, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे में विश्वास दिखाया, मुझे बेटी होते हुए इतनी छूट दी, इतना मेरे में ट्रस्ट दिखाया कि मैं हर चीज को, हर जो भी चीज मैं सीखना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं हिमाचल के हर माँ बाप से, हर भाई से यही विनती करूंगी कि प्लीज अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को उनके सपने अचीव करने में हेल्प करें जैसे मेरी फैमिली ने की है। और बस, और जो भी विमेन के लिए आजकल की डिसरिस्पेक्ट वाली चीजें हो रही है, रेप्स हो रहे हैं, ये प्लीज आप, हिमाचल में ये चीज है नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत सुनने में आता है कि आजकल हिमाचल के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, ये जितने भी ये बाहर की पंजाब से चीजें हिमाचल में शिफ्ट हो रही हैं, कहना नहीं चाहिए पंजाब से शिफ्ट हो रही हैं, पर हाँ यहाँ पे भी लोगों का ड्रग्स की तरफ रुझान जा रहा है, वो ना करें। बस जो हिमाचल जिस चीज के लिए जाना जाता है, इनोसेंस, हार्डवर्क और डू गुड इन स्टडीज, स्पोर्ट्स में अच्छा करिए और हिमाचल का नाम रोशन करिए। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के रंगड़ गांव में शुरभि की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और बाद में हमीरपुर में पढ़ाई की। डेंटिस्ट के तौर पर मोहाली में शुरभि राणा नौकरी कर रही हैं। शुरभि के माता राजेश्वरी राणा रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं तो पिता विक्रम राणा परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हैं।